हेलो एवरीवन माय माई नेम इजार पे एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद मी ये इस साल की सेकंड लास्ट वीडियो है कि कब करता हूँ मैं साल मेरे को सात आठ महीने हो रहे हैं अभी ट्रोग्राम वीडियोस बनाते हुए बट ये साल बहुत जल्दी चले गए भैया जिन लोगों ने भी मेरी ट्रोग्राम वीडियोज देखी है सारी थैंक यू सो मच एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई सुना थैंक एवरी वन मुझे लास्ट वीक यू पी आई पे डोनेट करा था इट्स नॉट नेरी बट इट रेली हिल्स में अपने ज्यादातर केसेस यू पी आई से ही लेता हूँ सो इफ यू लाइक टू डोनेट मैंने अपना यूपीआई का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस केस नाउ मई 2018 मिडल्सबर्ग में मितेश ने पुलिस स्टेशन कॉल करा कॉल में बात करते हुए वो बहुत डरा हुआ साउंड कर रहा था एनोसेस इस चीज का डर था कि किसी ने उसके घर में आकर चोरी कर दी है सीस्मजिन सईद ओ हाय आई थिंक से ये लगता है कि मितेश एक केयरिंग हसबेंड है जिसने अनफॉर्चुनेटली अपनी वाइफ को चोरी के केस में खो दिया था पर असलियत और इस डेथ का पूरा प्लान एक रिफ्लेक्शन से बहुत अलग था अराउंड so पटेल जैसिका पटेल वॉज बॉर्न इन लीड इंग्लैंड इन नाइनटीन एटी थ्री जैसिका की फैमिली में टोटल सिक्स सिबलिंग थे और वो इन सब में ओल्डेस्ट थी उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग जैसे एक फन लविंग खुश मिजाज लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी और कभी भी किसी को तंग नहीं करती थी जैसिका को बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक था एंड उसकी फैमिली का ज्यादातर बॉन्डिंग टाइम ये बॉलीवुड मूवीज देखने से ही बना था स्पेशली रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज जैसिका को बहुत पसंद थी एंड उससे अपनी लाइफ में भी वो बॉलीवुड मूवीज जैसा प्यार चाहिए था टू में जैसिका ने डी मॉन्ट फोर्ट यूनिवर्सिटी को फार्मास स्टडीज करने के लिए ज्वाइन करा क्योंकि वो दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी और यहाँ जैसिका अपने ए बॉयफ्रेंड से मिली मितेश पटेल उनकी रिलेशनशिप मिलते ही काफ़ी स्पीड से बढ़ गई थी वो मिले उन्हें इंस्टेंटली प्यार हो गया एक दूसरे से एंड दे गॉट टुगेदर पर डी मॉन्ट फोर्ट के बाद जसिका को यूनिवर्सिटी चेंज करनी थी जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया बट थिंकिंग दैट मितेश इज द राइट पर्सन फॉर हर वो कुछ टाइम बाद वापस साथ में आ गए रिलेशनशिप के स्टार्ट में मितेश एक बॉलीवुड हीरो जैसा रोमांटिक तो नहीं था वो थोड़ा रिजर्व था बट अकॉर्डिंग टू जसिकाज फैमिली वो उससे बहुत प्यार करता था एंड इंग्लैंड में होने के बाद सेम देसी लोगों से मिलकर जो अपनापन जसिका को मितेश के साथ फील हुआ वो उसे किसी के साथ भी फील नहीं हुआ था अपनी यूनिक एंड में जैसिका की मॉम की तबीयत खराब हो गई थी तो उसका साथ देने के लिए मितेश जैसिका के साथ उसकी मॉम का ध्यान रखता था और जब वो जैसिका की मोम को हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर रहा होता था तो तब वो घर में रहकर जैसिका के सिबलिंग्स का ध्यान रखता था उनके लिए बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता खाना प्रोवाइड करता क्योंकि जैसिका के डैड भी उस टाइम पर हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे थे एंड घर पर कोई बड़ा आदमी नहीं था उस समय तो मितेश का ये बिहेवियर देखकर ऑब्वियसली जैसिका के घर वाले बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए उससे एंड टू में जब मितेश ने जैसिका से पहले जैसिका के पेरेंट्स से पूछा कि क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ तो उन्होंने हाँ कह दिया एंड दे दॉड मैरिड सोन आफ्टर शादी के बाद दोनों ही मिडिल रूम में मूव हो गए और उन्होंने साथ में एक फार्मेसी भी स्टार्ट करी फार्मेसी शुरू करने के एक साल में ही उन दोनों ने वहीं में अपनी नई फैमिली के लिए एक घर भी ले लिया था मैं तुम लोग को ये पॉइंट बता रहा हूं ताकि तुम्हें तो समझ आ जाए कि मूव करने के बाद और घर लेने के बाद जैसिका एंड मितेश फाइनेंशियली काफी ज्यादा सही कर रहे थे दैट इज एन इम्पोर्टेंट नोट टू रिमेबर सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा ही चल रहा था जिसकी वजह से जैसिका ये चाहती थी कि उनका एक बच्चा हो एंड क्योंकि वो घर में सबसे ज्यादा बड़ी थी वो पहले से ही अपने सिबलिंग्स का ध्यान रख रही थी बच्चों का ध्यान रख रही थी तो उसके अंदर वो माँ वाली भी थी। अच्छा वे थिंग बट उसे अपना एक बच्चा चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली जेसिका का ये सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जेसिका एंड मिथेश दोनों को ही फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स थी नॉर्मल वे से बच्चा पैदा ना कर पाने की वजह से मितेश ने ये सजेस्ट करा कि तुम आईवीएफ ट्राई करो पर आईवीएफ के थ्रू भी उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी प्रोसीजर स्कैन डॉक्टर के, के चक्कर काटते काटते जैसिका की बॉडी पर स्ट्रेन पड़ा जो कि काफी अपेरेंट एंड विजिबल भी था उसके फेस पर नौ साल हो गए थे इनकी शादी को एंड मे फोर्टीन ट्वेंटी को जैसिका के डैड जैसिका समील ने उसकी फार्मेसी पर गए उन्हें पता था कि उनकी बेटी कितने स्ट्रेस में है तो वो उस समय बात करने गए थे थिंकिंग कि शायद जैसे का को अकेला फील हो रहा होगा या फिर उसे बुरा लग रहा होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं था वो फार्मेसी में नॉर्मली काम कर रही थी उसने अपने डैड से हंसकर बात करी एंड वो उस दिन नून की शिफ्ट पर थी नॉर्मली मितेश एंड जैसे टाइम स्विच करके कर जाते थे फार्मेसी में पर तो उस दिन मितेश फार्मेसी में मॉर्निंग में गया था क्योंकि उसे शाम को जिम जाना था तो फार्मेसी से मितेश जिम गया और जिम से घर करीब आठ बजे वापस आया अकॉर्डिंग टू मितेश जब वो घर वापस आया तो उसने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था वे जोजॉन्ड क्योंकि जैसे का जब भी घर पर अकेली रहती थी तो वो दरवाजा हमेशा बंद करके रखती थी तो ये चीज देखकर मितेश डर के मारे घर के अंदर भागा और उसने ये देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और जैसिका को किसी ने बुरी हालत में लिविंग रूम में बांधा हुआ था जैसिका के हाथ हेंज से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर और पैर पर डक टेप लगी हुई थी तो जब मितेश ने ये चेक करने की कोशिश करी कि क्या जैसिका की सांसें चल रही है देन ही कुड नॉट फील एनी थिंग फ्रॉम हर इसके बाद मितेश ऊपर वाले रूम में गया क्योंकि उन्होंने घर में सी सी टीवी कैमराज लगा रखे एंड सी सी टीवी कैमराज का कंट्रोल ऊपर था बट टू हैज बैड लक ही फाउंड आउट कि घर के सारे सी सी टी वी कैमराज को एकदम करप्ट करा गया था और जो फुटेज वाली हार्ड ड्राइव थी वो घर से गायब थी जिसके बाद मितेश ने पुलिस को कॉल करा wife, been Where about what's the address? We're on number thirty the Avenue in Middlebury, Linthorpe. So. It, 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 right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was, I was just out. I went to get, like, something to eat and see the lads at work and get my laptop. And yeah. And come home and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's, like, unconscious. Right. I'm trying to take, take off her. Can she breathe? Well, no, because she's... Can you take, the, take the duct tape off her, then. Please, can you send someone, please? Yeah, I am, I am, I am, I am. Can I say you your name, please? Okay. I can't get it up. I'm going to get someone straight out, okay? How long will it be? I'm going to get them traveling on blue lights and we're going to get an ambulance straight out as well. Okay. You said your wife's, is your wife breathing? Can you feel a pulse? I can't feel anything. this phone call, the police and ambulance But unfortunately, it was late एंड जैसिका वॉज देट पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया था और वो मितेश से पूछताछ करने लगे क्योंकि उसने ही पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया था मितेश ने बताया कि वो मॉर्निंग शिफ्ट में फार्मेसी गया था उसके बाद जैसिका वहाँ आई और सात बजे तक उसने वहाँ काम करा जिसके बाद जैसिका फार्मेसी से अपने घर जो कि बहुत ज़्यादा पास था सीधा चुपचाप वापस आ गई थी विदेश एक्चुअली जिम से सात बजे आ गया था एंड वो घर पहुंचा था आठ बजे तो पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा घर इतना पास है तुम्हारी फार्मेसी से तो तुम्हें एक घंटा क्यों लग गया वहाँ पे तो उसने बताया कि वो जिम से पहले फार्मेसी वापस गया था क्योंकि उसका बैग वहाँ पे छूट गया था एंड बैग लेने के बाद वो खाना लेने एक पिज्जा शॉप में गया था जिसकी सीसीटीवी फुटेज बाद में पुलिस को मिल गई थी एंड ही वजन लाएगा बॉज आई थिंक फिर पुलिस ने चेक करा कि कहीं किसी ने जैसिका को फार्मेसी से घर फॉलो तो नहीं करा बट एज आसा पॉसिबल नहीं था बिकॉज देयर वर्क प्लेस एंड हाउस वॉज वेरी क्लोज दूसरी चीज ये थी कि के इस एरिया में कभी भी कोई भी क्राइम नहीं हुआ था इन फैक्ट एक छोटी सी चोरी भी नहीं हुई थी चोरों चक्के भी नहीं घूमते थे so घर की फोटो देख फार्मेसी की फोटो देख के तो समझ आई गई होगी इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही जैसिका की फैमिली को इस बारे में न्यूज मिल गई थी उसके डैड तो वहाँ थे ही पर जैसिका की बाकी की फैमिली भी मितेश से मिलने सीधा आ गई थी और फिर जैसिका की बहन मनाल को देख मितेश टूट गया और मनाल को हक करके देश बहुत देर तक रोया जसिका एक बहुत ही लविंग लड़की थी तो मेन केस पुलिस के लिए यह था कि किसने घर में चोरी करी थी चोरी पर पुलिस इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि घर में सामान बिखरा था पर सिर्फ सामान बिखरा होने की वजह से किसी भी मर्डरर का मोटिव क्लियर नहीं होता है इनफैक्ट घर का सारा कीमती सामान घर में ही था दिस थिंग वॉज वेरी क्लियर टू पुलिस कि किसी ने जैसी को पैसे के लिए तो नहीं मारा था तो कौन और क्यों कोई जैसे लविंग लड़की को मारेगा अगेन पटेल का घर इन्वेस्टिगेट करने के बाद यह चीज क्लियर थी कि इस मर्डर को रॉबरी जैसा फ्रेम करा जा रहा है घर में कोई भी फोर्स एंट्री के साइन नहीं थे तो जैसिका पक्का अपने मर्डरर को जानती थी इसीलिए उसने अपने मर्डरर को घर के अंदर आने दिया तो जब मोटिव अनक्लियर था तो पुलिस हर एक उस आदमी पे जिसको जसिका जानती थी पुलिस हर उस आदमी पे टैब्स रखने लगी जसिका के पोस्टमार्टम से यह क्लियर था कि उसकी मौत गला दबाकर हुई थी और उसकी बॉडी में ये नेक ब्रूजर्स के अलावा भी पहले काफी सारी चोटें थी जो कि अब उसकी बॉडी से हट रही थी सो दैट मीन्स कि वो पहले लगी थी उसके पर फिर अचानक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक हंस आया और बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वे, उन्होंने अपने प्राइम सस्पेक्ट मितेश को अरेस्ट कर लिया वो ही मितेश पटेल जिस अपनी बीवी के मौत के टाइम पर पुलिस ऑपरेटर को कॉल करा था जैसिका फैमिली शॉक्ड उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो ही मितेश जो कि जैसिका की मौत पर रो रहा था वो ही मितेश जिसने जैसिका और उनकी फैमिली को इतना प्यार और इतना ध्यान से रखा वो ही मितेश अब इस मर्डर का एक प्राइम सस्पेक्ट है पर पुलिस के पास अपने इस हंच को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस थे अगेन पटेल के घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे पर कन्वीनियंटली जब मितेश से इन कैमरास के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि इनकी हार्ड ड्राइव खो गई है वेन पुलिस को ये सीसीटीवी कैमरा की हार्ड ड्राइव ऊपर वाले कमरे में एक ड्रॉ के नीचे फेंकी हुई मिली थी फुटेज में पुलिस को यह दिखा कि क्राइम के दिन मितेश आठ बजे नहीं बल्कि तीन बजे घर वापस आया था और फिर वो काफी देर तक घर से बाहर नहीं गया जैसे का घर में काम करने के बाद सात बजे वापस आई थी जैसा कि मितेश ने पहले बताया था इसके बाद मितेश घर से सात बज के चालीस मिनट निकला और घर वापस आठ बज के पंद्रह मिनट पर आया इस बीच मितेश एक पिज्जा शॉप में गया था जहां का फुटेज तो पुलिस को पहले ही मिल गया था और वापस आकर उसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही अपना बैग और एक पिज्जा बॉक्स अपने पास रखा और उस पूरे दिन इन दोनों को छोड़कर कोई भी घर में नहीं आया था और मितेश का पुलिस को कॉल करने से दस मिनट पहले सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए थे जिनका कंट्रोल ऑब्वियसली घर में ही था ऊपर वाले कमरे में तो क्योंकि मितेश ने कहा कि उन दोनों ने उस दिन फार्मेसी विजिट करी थी तो इसके बाद पुलिस ने फार्मेसी की छानबीन करी

वॉज नॉट क्लियर तो आखिर मितेश ने ऐसा करा क्यों मितेश ने गलती से ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ही जैसिका को मारा है कि बाद में उसने कोर्ट में डिनाई कर दिया था मितेश ने ये भी एक्सेप्ट करा कि लेंथ ऑफ मूव करने के बाद उसने अपने फोन में ग्राइंडर इंस्टॉल करा था एंड जिन लोग को नहीं पता है ग्राइंडर एक डेटिंग ऐप है सिमिलर टू टेंडर जस्ट फॉर द देंबर्स ऑफ के बाइसेक् ट्रांसजेंडर और क्वेयर कम्युनिटी मितेश ने कहा कि उसके कल्चर उसकी फैमिली में इस कम्युनिटी का पार्ट होना शेमफुल है मितेश कहीं बार ग्राइंडर के थ्रू दूसरे आदमियों से मिलता था और ये इतने बार हो चुका था कि फार्मेसी में वर्कर्स ने भी उसे कई बार पकड़ लिया था पर वो सभी जैसिका को प्यार करते थे और उसे दुखी ना करने के लिए उन्होंने कभी भी जैसिका को इन अफेयर्स के बारे में नहीं बताया बट जैसिका शे न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग जैसिका को पता था की मितेश उस पर चीट कर रहा है। जैसिका को पता था कि मितेश ग्राइंडर यूज कर रहा है एंड जैसिका को शादी के बाद ये भी पता था कि मितेश के शादी के कुछ महीने बाद से ही मितेश जैसिका से काफी डिस्टेंट हो गया था इतना डिस्टेंस बढ़ गया था उन दोनों के बीच में कि मितेश जैसिका को छूता भी नहीं था बस कभी फैमिली गैदरिंग्स में या फिर जब कभी वो पार्टीज में जाते थे तो तब वो जैसिका का हाथ पकड़ता था उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था पर शादी के पाँच छह महीने बाद से मितेश ने जैसिका को कभी भी सेक्स के लिए अप्रोच नहीं करा जिसकी वजह से जैसिका को कॉम्प्लेक्स आया कि शायद मैं मितेश को उस तरह से पसंद नहीं हूँ बट दैट वॉज नॉट इट मितेश शादी के बाद एक नए आदमी के क्लोज आया अमित पटेल एंड ये दोनों रिलेशनशिप में थे पर सोसाइटी एंड फैमिली में नाम खराब ना होने की वजह से जैसिका ने किसी को भी कुछ नहीं बोला बट एक्सेप्ट हर सिस्टर उसने इस पूरी बात को अनदेखा कर दिया मितेश जैसिका से बार बार कहता तो था कि उसके और अमित के बीच की रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है पर मितेश कहीं बार अमित से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता था घंटों तक वो फोन पे अमित से बातें करता था और इस चीज के बारे में जैसिका ने ऑब्वियसली अपने सिस्टर को बताया सो अप्रोचिंग हर डेथ जैसिका के डेथ से कुछ हफ्ते पहले मितेश और जैसिका के बीच में लड़ाई हो गई थी ये फाइट फार्मेसी में शुरू हुई जब मितेश का एक ग्राइंडर डेट उससे मिलने फार्मेसी में ही आ गया था और मितेश बिना किसी झिझक के उसके साथ जाने के लिए रेडी था पर क्योंकि सब लोग थे उस टाइम पे वहां पे इंक्लूडिंग जैसिका तो जैसिका को काफी एम्बेसिंग फील हुआ एंड उसने अपना गुस्सा फाइनली मितेश पर निकाला आफ्टर विच दू अक लॉन्ग फाइट सो दिस थिंग क्लियर कि मितेश और जैसिका के बीच में शादी के बाद से कोई प्यार नहीं था और फिर भी वो उसे कभी भी छोड़ सकता था उसे डिवोर्स ले सकता था एंड किसी और दूसरे आदमी के साथ जाकर रह सकता था देन वाई डिड ही मितेश पटेल तटकाय smart. जैसिका को मारने के कई साल पहले से ही वो उसे मारने का प्लान बना रहा था उसकी सर्च हिस्ट्री से क्लियर था कि वो एक परफेक्ट मर्डर के लिए प्लान सर्च करता था एक डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है ये भी उसकी सर्च में था एंड फाइनली उसने ये सारे नुस्खे 2018 में अपनी शादी के इतने सालों बाद ट्राई करे सो so, 14 2018 की शाम को मितेश ने जैसिका की बॉडी में फोर्सफुली इंसुलिन का डोज इंच कर दिया जो कि मितेश के लिए पाना बहुत ज्यादा ईजी था एज ही वर्क एट अ फार्मेसी एंड इस डोज की वजह से जेसिका वापस लड़ नहीं पा रही थी और ज्यादा हिलडुल भी नहीं पा रही थी उसके बाद अपने हाथ के प्रिंट को बचाने के लिए मितेश ने एक प्लास्टिक बैग जेसिका के मुंह के ऊपर डाला और फिर प्लास्टिक बैग को नीचे से दबाकर उसने जैसिका को सफोकेट करके और गला दबाकर मार दिया बट मरने से पहले मितेश ने जेसिका के नाम पर इंश्योरेंस करवा रखी थी जिससे उसे जैसिका की मौत पर सेवेंटी फाइव के पाउंड और एटी थ्री के पाउंड मिलने वाले थे जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि फार्मेसी के थ्रू जैसिका एंड मितेश काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे पर जो ये इंश्योरेंस का अमाउंट था ये काफी बड़ा था एंड दैट टू ये एक मौत के बाद मितेश को काफी आसानी से मिल जाता तो इतना पैसा कमाने के बाद भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का पैसा देकर मितेश का दिमाग करप्ट हो गया था एंड पहले मितेश ने जैसिका को आई ट्राई करने के लिए भी कहा था इन होप्स कि जैसिका प्रेग्नेंट हो जाए और फिर बच्चा पैदा होने पर वो जैसिका को मार कर उसका इंश्योरेंस का पैसा ले ले एंड फिर फाइनली बच्चा और पैसा दोनों लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए जहां वो अकॉर्डिंग टू हिस्स प्लान इस बच्चे को अमित के साथ बड़ा करना चाह रहा था जैसिका ने ऑफिस अपनी सिस्टर को बताया था कि मितेश के अपनी सिस्टर को यह भी बोला था कि मितेश उसे मारता था इनफैक्ट मितेश की मॉम भी जैसिका पर काफी चल रहा थी, थी उसे गालियां देती थी कि तुम हमें ग्रैंड सन नहीं दे पा रहे हो तुम्हारी फर्टिलिटी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे बेटे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है बदना अगेन अपनी फैमिली का नाम बचाने के लिए वो मितेश की मॉम को सच नहीं बता पाई और हर साइड से प्रेशर होने की वजह से उसने कहीं का भी अब्यूज रोका नहीं तो जो पुलिस को ब्रूजेस मिले थे जैसिका की बॉडी पर वो मितेश नहीं दिए थे एंड जब भी जैसिका की फैमिली को ये ब्रूजर्स दिखते थे तो मितेश कोई फेक स्टोरी बना लेता था पर इतने सालों तक सेम चीज देखने पर कहीं ना कहीं जैसिका के पेरेंट्स को भी पता चल ही गया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है पर वो ये सारी चीजें एंडोर करती थी इन उसकी शायद बेबी आने पर मितेश का बिहेवियर चेंज हो जाए कोर्ट में मितेश ने ऑफिसर की कॉल को प्रूफ रखते हुए ये साबित करना चाहा कि उसने जसिका को नहीं मारा था इनफैक्ट जसिका उसको मरी पड़ी मिली थी पर इस पॉइंट पर कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पहुंच गई थी जैसे के हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि अगर आप कभी भी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां आप खुश नहीं होन प्लीज डोंट स्टे देर इवन फॉर वन सेकेंड स्पेशली अगर उस रिलेशनशिप में अब्यूज है तब तो बिल्कुल भागी जाओ हमारी लाइफ एक झूठे प्रिटेंड को जिंदा रखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विद दैट जैसिका पटेल का केस यहीं पर समाप्त होता है बिफोर यू लीव आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं देन प्लीज डू दैट थिंग थ्रू यू मैं स्पॉन्सर्ड ढूंढने के लिए काम कर रहा हूँ बट सीरियसली बोलो तो मुझे प्रॉपर वाले नहीं मिल रहे टिल देन अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं देन दैट विल बी रियली हेल्पफुल सब्सक्राइब टू मी बिफोर आई अ मिलियन अगेन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस प्लीज कीप योर यस वेरी क्लोज टू यू एंड आई विल सी यू अगेन होपफुली एक और वीडियो सेंड करें ओके सी बाय बाय